आपको एक ऐसे ब्रह्मास्त्र के बारे में बताऊंगा जिसके थ्रू आप मोदी केयर का हर वो टाइटल, हर वो चेक, हर वो मुकाम हासिल कर सकते हो जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो। क्या पाना चाहते हो? Yes! तो ये वो फॉर्मूला है, ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसको हम कहते हैं होम मीटिंग। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है कि मेरी टीम आगे नहीं बढ़ रही, मेरी टीम में लोग नहीं जुड़ रहे, या तो फिर मेरी टीम के अंदर लीडरशिप स्किल नहीं डेवलप हो रही है, सब में यह प्रॉब्लम। तो इसका एक ही रामबाण है, इलाज है, और इसका एक ही ब्रह्मास्त्र है, वो है होम मीटिंग। होम मीटिंग क्यों जरूरी है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स में समझाऊंगा। तो जो भी लोग लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि तो यही वो चीज है जो करते करते हम लोग वहां से यहां आए, यही चीज करते करते आगे की जो फ्रंट लाइन सेकेंड लाइन जो बैठी है, यही चीज करते करते बैठी है, तो वो भी आपको करनी पड़ेगी। तो क्या तैयार है? तो सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में और एडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहली होम मीटिंग जो है वो इकोनॉमिकल है। मान लीजिए कि आप सोचते हो कि मैं इतना बड़ा हॉल लूंगा, यहाँ पे सबको बुलाऊंगा, मीटिंग करूंगा, क्या वो हर महीने हर वीक पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि इसका एक भाड़ा लगता है, लोगों को बुलाने का एक्सपेंस लगता है, यहाँ पे जो भी कुछ होता है उसका सबका एक एक्सपेंस लगता है कि नहीं लगता? Yes, sir. लेकिन होम मीटिंग में क्या लगता है? एक कप चाय, और कुछ लगता है? तो सबसे किफायती और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस करने का, वो होता है कि आपकी लागत कितनी लगती है। तो यहाँ पे आप जब होम मीटिंग लगाते हो तो आपकी लागत कितनी लगती है? कुछ, एक कप चाय की, इसके अलावा कुछ? कुछ नहीं। दूसरी चीज यहाँ पे उसका दूसरा एडवांटेज मिलता है टाइम मैनेजमेंट का, टाइम एडवांटेज का। अगर कोई एक व्यक्ति एक जगह पे मीटिंग करता है, एक व्यक्ति के साथ मीटिंग करता है, तो कम से कम एक घंटा मीटिंग में जाएगा, उसको मिलने के लिए वहां तक पहुंचने के लिए आधा घंटा पौना घंटा ट्रैवलिंग में जाएगा, इसके पीछे थोड़ा बहुत पेट्रोल का एक्सपेंस भी होगा, थोड़ा बहुत चाय पानी का खर्चा भी लगेगा, ये सब लगता है। लेकिन जब आप कभी भी कोई होम मीटिंग लगाते हो तो सबसे पहली बात, यहाँ पे होम मीटिंग किसको कहते हैं? किसी एक व्यक्ति को अगर मैं प्लान बताता हूँ उसके घर पे जाकर, तो उसको होम मीटिंग नहीं बोली जाती। होम मीटिंग बोली जाती है जिस घर के अंदर आप 5, 10, 15, 20 लोगों को इकट्ठा करके बुलाते हो और उनको इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हो, वो होती है होम मीटिंग। अगर एक व्यक्ति को बताते हैं तो एक घंटा लगता है, 5 व्यक्ति को बताएंगे तो कितना टाइम लगेगा? एक घंटा लगेगा। 15 लोगों को बताएंगे तो भी कितना टाइम लगेगा? एक घंटा ही लगेगा। यानी कि आपके समय की यहाँ पे बचत होती है। तीसरी चीज, ये इजीली डुप्लीकेबल है। क्यों डुप्लीकेबल है? जैसे कि मैडम और सर ने अभी यहाँ पे इतना बड़ा मीटिंग अरेंज किया, बहुत कम लोग होंगे जो इस लेवल की मीटिंग अरेंज कर पाएंगे, सही है गलत है? लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति के घर पे आपने छोटी सी होम मीटिंग लगाई 5 या 10 लोगों की, तो वो इजीली डुप्लीकेबल हो सकती है, क्योंकि वहां पे ना तो उसको एक्सपेंस करना है, ना तो वहां पे कोई मोटिवेशनल स्पीकर को या मोटिवेशनल लीडर्स को बुलाना है, जस्ट अपनी रिस्पेक्टिव अपलाइन को अपने टाइम लेकर उनको बुलाना है, उनका इन्वाइट करना है, उनका अच्छा सा एडुकेशन देना है, और उनको होस्ट बना के आप पूरा इवेंट उनको दे दीजिए, वो पूरा का पूरा बिजनेस जो है उनको आराम से 1 घंटे के अंदर समझा दीजिए, तो हो गया एडवांटेज आपके लिए। चौथी चीज, हाईली प्रोडक्टिव। हाईली प्रोडक्टिव इसलिए है क्योंकि जब कभी भी आप कहीं पर भी काम करते हो वहां पे एक माहौल काम करता है, एक एनवायरमेंट काम करता है, इसको तो हम पॉजिटिव वे बोलते हैं, पॉजिटिव एनवायरमेंट बोलते हैं। जब आप कोई एक व्यक्ति के साथ काम करते हो या कोई एक व्यक्ति को प्लान बताते हो, तो या तो आपको ना बोलेगा या तो हाँ बोलेगा, यही ऑप्शन है। लेकिन अगर आप कहीं पर होम मीटिंग लगाते हो, होम मीटिंग में तो 5 लोग 10 लोग 15 लोग बैठे हैं, अगर उन 15 लोगों में से सिर्फ 3 लोगों ने भी हाँ बोली ना, तो बाकी के 10 लोग भी हाँ बोलेंगे,
ये ताकत है इस बिजनेस की, ये ताकत है पॉजिटिव एनवायरनमेंट की जो होम मीटिंग से ही होती है। और इसके अंदर और एक एडवांटेज ये मिलता है कि जब आप किसी को इस बिजनेस के बारे में बताते हो, उसकी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हो, तो वो जो एनवायरनमेंट बनता है उस एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे आप अभी यहाँ पे हॉल में बैठे हो, तो आप किसके लिए बैठे हो यहाँ पे, आपको ये पता चल गया कि अगर मैं एक या दो साल या पांच साल ये बिजनेस कर लूंगा तो मुझे भी यहाँ पे आने का मौका मिलेगा, मेरी भी गाड़ी आएगी, मेरा भी घर आएगा। तो उसी तरीके से जब आप कभी भी होम मीटिंग लगाते हो तो होम मीटिंग के अंदर भी ऐसा एक एनवायरनमेंट बनता है जिस एनवायरनमेंट से आपके बिजनेस के अंदर एक मोमेंटम बनेगा, स्टार्ट होता है। उसके बाद बात करते हैं टीम डेवलपमेंट। होम मीटिंग एक सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है टीम को डेवलप करने का, क्योंकि होम मीटिंग जब आप लगाते हो तब आप अकेले काम नहीं करते, वहां पे आप टीम को मिलके साथ में काम करते हो। हर एक को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटी छोटी दी जाती है कि आपको यहाँ पे मैजिक कॉर्नर लगाना है, आपको यहाँ पे डेमो करना है, आप ये चीज करोगे, आप वहाँ पे वो चीज करोगे। तो यहाँ पे पूरा टीम बेस्ड काम होता है, यानी कि टीम का जो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर जो टीम बनती है, जो डुप्लीकेशन होता है, वो यहाँ से आना स्टार्ट होता है। इसके बाद आती है रिलेशनशिप डेवलपमेंट। यहाँ पे जितने लोग भी हैं, ज्यादा से ज्यादा अप्रोक्सीमेटली अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 80% लोग ऐसे होंगे जिनके घर पे होम मीटिंग हुई होगी। क्या मैं सही हूँ? जिनके भी घर पे होम मीटिंग लगी है, आप अपना हाथ ऊंचा करें। आज तक मोदी घर की जितने भी घर में होम मीटिंग लगी है, देखिए आप आजू बाजू में देख लीजिए कि जिनके भी घर में होम मीटिंग लगी है, आज सब लोग यहाँ पे बैठे अच्छे टाइटल पे, अच्छा चेक रहे हैं। तो ये एडवांटेज। इसका और एक एडवांटेज इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ, रिलेशनशिप डेवलपमेंट। मैं अपने घर की बात करता हूँ। जब मेरे घर में सबसे पहली होम मीटिंग लगी, होम मीटिंग के अंदर आता कौन है, तो अपने अड़ोस पड़ोस वाले लोग आ जाते हैं उनको बुलाने से, कुछ अपने रिलेटिव आ जाते हैं, कुछ अपने फ्रेंड सर्कल्स आ जाते हैं। अगर इन तीन चार लोगों का कैलकुलेट करेंगे तो आपके घर पे आराम से 10-15 लोग आ जाएंगे, और हमारे होम मीटिंग के लिए इतने लोग चाहिए। अगर एक अच्छी होम मीटिंग लगानी है तो 10-15 लोगों का आप गैदरिंग कर सकते हो, तो आपके घर पे एक अच्छी सी होम मीटिंग हो जाएगी, है ना। होम मीटिंग जब होती है तो उसके एडवांटेज क्या मिलते हैं, जब आपके घर पे होम मीटिंग होती है तो उन 15 लोगों के साथ साथ आपके घर के मेंबर भी उस मीटिंग में बैठते हैं, जिससे होता क्या है, एक लौता जाता आपके सामने एग्जांपल है। मेरे घर पे होम मीटिंग हुई थी और उसी से मैं यहाँ पे आया, क्योंकि जब सर और मैडम मेरे घर पे आए हैं तब मुझे बताया गया कि ये बिजनेस की ताकत क्या है, ये बिजनेस क्या है। मैं तो उससे पहले इसको यही समझता है कि ये साबुन शैम्पू बेचने का धंधा है, इसमें अपने का कुछ आता नहीं है, इसमें अपना टाइम लगाने का नहीं। लेकिन जब मैडम और सर ने बताया कि ये सिर्फ तेल साबुन शैम्पू बेचने का बिजनेस नहीं है, इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, तब मेरे ढक्कन खुले और तब मुझे पता चला कि मुझे भी ये बिजनेस करना है। एंड द सेम मेरी मदर है, उनको कुछ बॉडी में कुछ हेल्थ इश्यूज थे, तो उन्होंने डेमो वगैरह देखे, उन्होंने बिजनेस के बारे में देखा, तो उनको भी पता चला कि ये भी मेरे काम की चीज़ है। यहाँ तक मेरा 11 साल का बच्चा है, वो अपनी स्कूल में जाकर अपनी टीचर के पास मोदी जी की प्रोडक्ट सेल करके पैसा लेकर आता है। तो ये ताकत मिलती है जब आप अपने घर के अंदर होम मीटिंग लगाते हो, क्योंकि आप सिर्फ होम मीटिंग अपने घर के अंदर तो लगाते हो उन 15 लोगों के लिए नहीं, लेकिन आपके घर के जो मेंबर्स है ना, उनके अंदर भी एक पॉजिटिविटी आती है, उनको भी पता चलता है कि मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरा बेटा क्या काम कर रहे हैं, और वो इस बिजनेस की जो रियलिस्टिक चीज है वो बतानी जरूरी होगी। उसके बाद आगे बात करते हैं डेवलप रिलेशन, जो मैंने अभी आपको बता दिया